नमस्कार जय माता की। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली की बहुत ही मशहूर मार्केट शाहदरा छोटा बाजार में। तो मार्केट देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो मैंने एंट्री कर ली है। तो मेट्रो से उतरने के बाद जब आप राइट हैंड पर टर्न करेंगे ना तो पुल के नीचे आपको इस तरह की शॉप मिलेगी जहाँ पर ये हमेशा ही सीनरियाँ मिलती हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और आपको होम डेकोरेशन आइटम के लिए सभी तरह की सीनरी आपको मिलेंगी। तो ये दिन का टाइम है लेकिन पुल के नीचे ना यहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है और यहाँ पर ना सभी माल आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगा और जैसे जैसे आप आगे मार्केट में बढ़ेंगे छोटा बाजार की तरफ तो इस तरह से मार्केट शुरू हो जाती है। तो जैसे दिवाली का सीजन चल रहा है तो आपको यहाँ पर इस तरह के डेकोरेशन आइटम भी जगह जगह मिलते दिखेंगे। तो ये जो मैं लड़ियाँ देख रही हूँ, जो लटकन देख रही हूँ, ये 100 रुपये की दो दे रही थी आंटी। तो इस मार्केट में ना मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाऊंगी तो बीच बीच में मार्केट को एक्सप्लोर करती रहूंगी और उसके बाद मैं आपको साड़ी लहंगे की शॉप्स को दिखाऊंगी। तो आप देख लीजिए ये मार्केट कुछ इस तरह से दिखती है। शादी से रिलेटेड सभी तरह का सामान यहाँ पर मिलता है जो कि काफ़ी मशहूर है यहाँ पर। तो ये नोटों की माला मिल रही है और भगवान की पोशाक मिल रही है। तो जो भी शादी से पूजा पाठ से रिलेटेड सामान होता है वो सब आपको यहाँ मिलेगा। तो अब मैंने अंदर छोटा बाजार तेलीवाड़ा में एंट्री कर ली है। तो ये काफी कंजस्टेड मार्केट है, काफी कम एरिया है तो काफी रश भी मिलेगा आपको। तो जो आप ये येलो कलर की साड़ी देख रहे हैं ना ये 2000 रुपये की है और जो जस्ट इसके साथ में साड़ी है वो सिल्क की है और 3500 रुपये की रेंज में बताई थी भैया ने मुझे। और साथ ही साथ आप देख लीजिए मार्केट में काफ़ी रश है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो करवा चौथ की तैयारियों में लेडीज़ लगी हुई हैं। तो आप देख लीजिए ये मार्केट इस तरह से दिखाई देती है, काफ़ी कंजस्टेड मार्केट है तो यहाँ पर हमेशा ही आपको इस तरह की भीड़ मिलेगी। तो जैसे जैसे मैं मार्केट में आगे बढ़ूँगी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाऊँगी मार्केट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लहंगों का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलता है हमेशा ही। तो ये जो लहंगे हैं ना ये 5500 की रेंज में है और साथ ही साथ ये जो डमी की साड़ी मैं देख रही हूँ ये भी 3500 रुपये की रेंज का टैग लगा हुआ था इसमें। और ये छोटी छोटी गलियाँ पड़ती हैं इस मार्केट में और इस तरह का शोरूम आइटम भी आप देख सकते हैं साथ के साथ। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर एक साड़ी की शॉप पर। जिस तरह मैंने बताया काफ़ी भीड़ है मार्केट में शॉप्स पर ना, बहुत ही धक्का मुक्की हो रही थी साड़ी खरीदने के लिए। तो फिर भी मैंने आपको कुछ सीन दिखाने की कोशिश की है और इस तरह से साड़ियों के ढेर लगे मिलेंगे आपको इस मार्केट में शॉप्स पर। तो ये जो मैं साड़ियाँ देख रही हूँ ना ये सब ऑलमोस्ट 2000 रुपये की रेंज से ऊपर ही ऊपर हैं। और ये है कि इस मार्केट में ना आपको सब तरह का कपड़ा मिलेगा, सब सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी सब तरह की साड़ियाँ मिलेंगी आपको। तो ये जो ब्लैक कलर की साड़ी देख रही हूँ ना मैं, ये 2100 रुपये की रेंज में थी जो काफ़ी मुझे पसंद आई थी लेकिन वो मुझे बहुत महंगी लग रही थी फैब्रिक के हिसाब से। तो आगे बढ़ रही हूँ मैं मार्केट में धीरे धीरे और इस तरह का इयररिंग कलेक्शन, ज्वेलरी कलेक्शन भी आपको मार्केट में मिलेगा। और ये जो रिंग देख रही हूँ ना मैं, ये 100 रुपये की एक रिंग मिल रही थी। तो ये मार्केट ना सारी ज्वेलरी, साड़ियों और पार्टी कलेक्शन से ही भरी हुई है और करवा चौथ की तैयारियों के लिए इस तरह के मेहंदी वाले भैया भी जगह जगह बैठे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर रेट पूछे थे भैया से, वो कह रहे थे 50 रुपये से रेंज स्टार्ट है, 250-300 रुपये का रेट जाएगा करवा चौथ तक। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह की डिज़ाइनिंग यहाँ पर लगाई जाएगी मेहंदी में। तो ये जो मेहंदी लगाने वाली गुड़िया है ना, ये प्रैक्टिस कर रही थी मेहंदी लगाने की, तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा था, प्रैक्टिस इसकी काफ़ी अच्छी थी तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ किस तरह की मेहंदी यहाँ पर लगाई जाती है। तो ये जो ड्रेस देख रही हूँ मैं शरारा वाली, ये भी 2000 रुपये की रेंज में बताई थी भैया ने और जो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी थी। और आपको ना डमी में तो ये सारा डिस्प्ले में जो दिख रहा है सारा सैंपल पीस दिख रहा है लेकिन सभी शॉप पर जब आप विजिट करेंगे ना तो काफ़ी क्वालिटी मिलेगी, काफ़ी क्वांटिटी मिलेगी आपको। और ये जो लहंगा मैंने देखा है ये भी 6500 रुपये की रेंज में बताया है भैया ने मुझे। तो आ गई हूँ मैं नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है और किस तरह से साड़ियाँ यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर ना साड़ियाँ कुछ इसी तरह से दिखाई जाती हैं, ढेर लग जाते हैं साड़ियों के।
तो यहाँ पर भी मैं नेट की साड़ी देख रही थी जो 1500 रुपए की रेंज में थी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसे ढेर में ना साड़ियाँ समझ नहीं आती हैं कि कौन सी साड़ी देखें कौन सी ना देखें, कोई पसंद ही नहीं आती है। तो साथ साथ ना आपको पटरी मार्केट पर इस तरह का आइटम मिलेगा। ये एंकलेट मिल रही थी 20 रुपए में और कॉस्मेटिक आइटम भी आपको जगह जगह पूरी मार्केट में इस तरह मिलेगा। तो यहाँ पर भी हर मार्केट की तरह वही रेंज है नेल पेंट की, कोई 10 रुपए की, 20 रुपए की और अच्छी क्वालिटी में आपको 40 रुपए तक मिलेंगी। तो आप देख लीजिए मार्केट का व्यू, इस साइड ना सारा ही कॉस्मेटिक आइटम है, चूड़ी का कलेक्शन है, कड़े का कलेक्शन है, इयररिंग का कलेक्शन है। तो ये जो चूड़ियाँ मैं देख रही हूँ ना, ये 100 रुपए में एक पैक मिलेगा आपको। और ये जो सामने आप चूड़े देख रहे हैं ये 350 रुपए की रेंज से स्टार्ट है। और ये सारा वही कलेक्शन है जो मैंने आपको सदर बाजार की मार्केट में दिखाया है, पटरी मार्केट में दिखाया है। लेकिन जब ये ऐसी मार्केट में आकर बिकता है तो इनके प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही, क्योंकि सब अपना मार्जिन रखते हैं। तो ये सारा कलेक्शन है यहाँ पर चूड़ी का। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्वालिटी में, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस मार्केट की खास बात यह है कि सब क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बेस्ट मिलेगी। तो आ गई हूँ मैं नेक्स्ट शॉप पर साड़ियाँ देखने। तो यहाँ पर भी ये जो साड़ियाँ देख रही हूँ ना मैं, ये सब 2-2500 से ऊपर की रेंज में है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट फेस्टिवल सीजन के लिए इसी रेंज में साड़ियाँ देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाती हूँ। तो ये साड़ी आप देख रहे हैं ना, ये सिंपल साड़ी है, लेकिन जो ब्लाउज है इसका काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी में है। ये भी 3000 रुपये की रेंज के आसपास है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर साड़ियों का कलेक्शन है, सब तरह के फैब्रिक में, डिज़ाइनिंग में, प्रिंट में, सब तरह की साड़ियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। तो ये जो ये वाली साड़ी है ना, ये 3500 रुपये की रेंज में है, जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। और इसके साथ ना लाइट शेड की साड़ी है और ये डार्क कलर का ब्लाउज है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो देख लीजिए आप इस तरह से इस मार्केट में साड़ियों का कलेक्शन है। ऑलमोस्ट सभी दुकानों पर ना सभी कलेक्शन सेम लगा था मुझे, मैंने 10-12 मार्केट शॉप्स विजिट की थी, तो ऑलमोस्ट कुल मिलाकर एक ही कलेक्शन था, मिला जुला कलेक्शन था। लेकिन सब पर ना रेट अलग अलग थे, हर शॉप पर ना आपको 100, 50, 200, 400 रुपये ऊपर नीचे मिलेंगे सब साड़ी में। तो ये सिल्क की साड़ी भी रेड कलर में काफ़ी अच्छी लग रही थी, 2500 रुपये की रेंज में। तो इस तरह की साड़ियाँ ही बिक रही थी ज़्यादा, मैंने देखा था करवा चौथ के लिए, तो काफ़ी लोग ऐसी ही साड़ियों पर कंसंट्रेट कर रहे थे। और ये वाली साड़ी भी 3500-3800 रुपये की रेंज में थी। तो आप देख सकते हैं ऐसी साड़ियाँ हैं जिनके साथ कंट्रास्ट में ब्लाउज हैं, जो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है आजकल के कंट्रास्ट में, साड़ी के साथ ब्लाउज आता है। तो ये पीस भी काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे पसंद आया था। और ऑल ओवर प्रिंट में भी आपको, कलर में भी आपको साड़ियाँ मिलेंगी। तो करवा चौथ के लिए यहाँ पर वही आपको डेकोरेटिव आइटम मिल रहा है, और शादियों से रिलेटेड सारा सामान इस मार्केट में पूरा साल मिलता है। तो ये तो करवा चौथ का कलेक्शन है जो मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में दिखाया है। यहाँ पर ये 250 रुपये का एक सेट मिल रहा था, जिसमें थाली, करवा, छन्नी सब डेकोरेटिव आइटम थे। और शादी से, फेरों से रिलेटेड जो भी सामान होता है ना भैया, ये दिखा रहे थे मुझे, ये नारियल पर गणेश जी बने हुए थे, जो 250 रुपये का पेयर था। और इयररिंग का कलेक्शन देख रही थी मैं यहाँ पर, ये मुझे काफ़ी सुंदर लगे थे 200 रुपए में। तो इस मार्केट की खास बात यह है कि आप जिस तरह की पार्टी वियर ड्रेस खरीदेंगे ना, साड़ी खरीदेंगे, तो सारा ज्वेलरी आइटम भी ना आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये वही आइटम है जो सदर बाजार में मैंने आपको दिखाया है, पर यहाँ पर ये आपको रिटेल प्राइस में मिलेगा। और यहाँ पर सारा इयररिंग का कलेक्शन ना 150 रुपये से स्टार्ट था। तो आपको इस मार्केट में ना खाने पीने की भी ना काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। आ गई मैं श्रीराम कचौड़ी पर कचौड़ी खाने। तो चलिए मैं कचौड़ी खाती हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।